Hello everyone. This is Trupti. Welcome to NPC the channel where you can learn all the concepts of physics. And uh, today we will learn a new concept from your chapter electrostatic potential and capacitance. And that is all about the electrostatic of conductors, or we can say properties of conductor. Means whenever the conductor is placed in electric field, then what will be the behavior of the conductor? ओके okay, मीन्स अगर आप कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो कंडक्टर का बिहेवियर कैसा होगा ओके सो दैट टॉपिक विल बी कवर्ड इन द डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स एंड दैट पॉइंट्स विल बी सीन इन दिस वीडियो ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो अबाउट द मटीरियल्स मटीरियल्स आर मेड अप ऑफ एटम और मोलिक्यूल ओके मटीरियल्स किससे बने होते हैं एटम्स एंड मोलिक्यूल्स से एटम्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है एटम का स्ट्रक्चर आपको पता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं ठीक है प्रोटॉन पॉजिटिव होता है एंड न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है ठीक है इसमें न तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव होता है एटम के आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करता रहता है ठीक तो है तो मटेरियल्स जो हैं उनकी कैटेगरी को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टर सेकेंड इंसुलेटर एंड थर्ड वन इज सेमी कंडक्टर कंडक्टर्स आर दोज मटीरियल्स इन विच मिलियंस ऑफ मिलियंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कंडक्टर जो हैं वो भी क्या है मटेरियल्स हैं और मटेरियल्स जो है वो एटम से बने होते हैं तो कंडक्टर में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस का जो बॉन्ड है वो काफी वीक होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री हो जाते हैं फ्रीली मूव करते हैं इन द बॉडी ओके मींस इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से फ्री होके लिव होके वो पूरी बॉडी में मूवमेंट करता रहता है ठीक है तो इस लिव इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडक्टर्स में लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके थ्रू आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ठीक है तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे बट आपको ये जानना जरूरी है कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का या इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो बॉन्ड है वो काफ़ी वीक होता है तो इलेक्ट्रॉन ईजीली बॉडी में मूव कर सकता है अपने ऑर्बिट को छोड़ देता है ठीक है तो ये कंडक्टर ऑल मेटल्स जनरली ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स ओके सभी मेटल्स को हम कंडक्टर बोलते हैं क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं ठीक है एंड सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर सिल्वर को हम क्या बोलते हैं बेस्ट कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी का ठीक है सेकेंड इंसुलेटर इंसुलेटर में जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन का ठीक है न्यूक्लियस में जो प्रोटोन है प्रोटोन पे पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव प्रोटोन का जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रोंग होता है तो इलेक्ट्रॉन हमारे पैटेंट एटम को लीव नहीं करता है ठीक है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं क्यों क्योंकि बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग होता है तो इलेक्ट्रॉन्स लीव नहीं कर पाता है एटम को तो इंसुलेटर जो हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं ठीक है थर्ड है सेमीकंडक्टर सो तो जनरली टेम्परेचर पर डिपेंड रहता है अगर आप मिनिमम टेम्परेचर लें ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर लें तो कंडक्टर्स जो हैं वो इंसुलेटर की तरह बिहेव है। है करते हैं ठीक है किसकी तरह बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह और अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो इनमें कुछ नंबर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ठीक है मतलब कि इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होंगे किन के बीच में होंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मीन्स न तो ज्यादा होंगे कंडक्टर के कंपेरिजन में कम होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इंसुलेटर में तो होते ही नहीं है तो इससे ज्यादा होंगे तो इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर ओके एंड वन मोर पॉइंट इंसुलेटर को आप डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं क्या कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक ये वर्ड आगे के लेक्चर में आपको सुनने को मिलेगा ठीक है नाउ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है आज का उस पर आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर ओके सो सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिपेंड है एंड दैट पॉइंट इज अंडर इलेक्ट्रोस्टेटिक कंडीशन ओके मीन्स जब चार्ज स्टेटिक पोजिशन में होगा तब ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी ओके सो आपको एक वर्ड ऐड करना है सभी प्रॉपर्टीज में एंड दैट इज अंडर द इलेक्ट्रोस्टेटिक कंडीशंस ओके सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इन साइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोसिटिक फील्ड इज जीरो ओके मीन्स इनिशियली अगर आप एक कंडक्टर लें तो उस कंडक्टर में अभी आपने बोला कि ये कंडक्टर न्यूट्रल है न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि जिस इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्वल है ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वस टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ठीक है दोनों इक्वल हैं बट इस कंडक्टर को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें ठीक है इस टाइप से आपके आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हैं और यहाँ पर आपने क्या रख दिया है एक कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आपने एक कंडक्टर रख दिया अब कंडक्टर का बिहेवियर या फिर आप लास्ट लेक्चर में डाइपोल के बारे में पढ़ा था डाइपोल में पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव पे ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेगेटिव जो हैं चार्जेस हैं इसके वो कहाँ आ जाएंगे इस साइड में क्योंकि ऑपोजिट हैं एंड पॉजिटिव जो है वो इस सरफेस पे आ जाएंगे मीन्स राइट साइड का जो सरफेस है कंडक्टर का यहाँ पॉजिटिव चार्जेस एक्मेट हो जाएंगे यहाँ पॉजिटिव चार्जेस एक्ूमलेट हो जाएंगे एंड नेगेटिव चार्जेस इस सरफेस पे एक्यूमलेट हो जाएंगे मिस या आप ऐसा बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ तक जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो ये जो रीजन है आपका ये पूरा पॉजिटिव है ठीक है और ये क्या है नेगेटिव है तो कंडक्टर के इन जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो नेगेटिव से अट्रैक्ट होंगे ओके तो पॉजिटिव चार्जेस इस सरफेस पे राइट साइड सरफेस पे कंडक्टर के एक्यूमलेट हो जाएंगे इकट्ठे हो जाएंगे एंड नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो वो लेफ्ट साइड के सरफेस पर एक्यूमलेट हो जाएंगे ओके क्लियर है अब ये जो चार्जेस हैं इनका मूवमेंट कब तक होगा जब तक कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल ना हो जाए ठीक है अब देखिए एक और चीज है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या होती है नेगेटिव टू सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट क्या होगी आपकी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ठीक है और चार्जेस मूव कब तक करेंगे जब तक कि E इज इक्वल टू ई डैश न हो जाए मीन्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो जाए तब तक चार्जेस मूव करते रहेंगे ओके ये कंडीशन जब हो गई इक्वल हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड तब क्या होंगे यहां पर जो चार्जेस मूवमेंट कर रहे हैं वो स्टॉप हो जाएंगे ठीक है अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए आप ऑपोजिट है और ऑपोजिट डायरेक्शन है और इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपकी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी ज़ीरो ठीक है मीन्स कंडक्टर को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब सारे चार्जेस सरफेस पे आ जाते हैं कंडक्टर के सरफेस पर आ जाते हैं और इनसाइड चार्जेस है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी ओके सो दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टेटिक सिचुएशन ओके मींस वही बात है कि अगर आप कोई कंडक्टर लेते हैं ठीक है ये कंडक्टर लिया आपने इस तरह से अगर कंडक्टर में आपको पता है कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो होगा अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो मिल गया आपको तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़ीरो होगा क्योंकि गाउशियन सरफेस सॉरी गाउसियन लो जो है गाउस का जो लो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन देता है देखिए कैसे कि फाइव इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए ठीक है इस तरह का एक रिलेशन आता है अगर फाइव जीरो हो गया तो फाइव इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम एक और फॉर्मूले के थ्रू गाउस लॉ के थ्रू लिख सकते हैं दैट इज क्यू इन साइड बाई अपन नोट जब फाइव जीरो है तो क्यू भी जीरो होगा ठीक है सो इन साइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एज वेल एज चार्जेस विल बी जीरो ओके नाउ थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट विल बी एट द सर्फेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सर्फेस एट एवरी पॉइंट ओके मीन्स अगर आपने एक कंडक्टर लिया है ठीक है ये कंडक्टर लिया है अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज है तो कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल ठीक है और नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स द नॉर्मल या टुवर्ड्स द सरफेस ठीक है तो जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ठीक है इस तरह से भी अगर आप सरफेस ले लें तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस सरफेस के नॉर्मल ठीक है इस पॉइंट पे इसके इस पॉइंट के या इस सरफेस के नॉर्मल हो जाएगी तो हर एक पॉइंट सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगी नॉर्मल ओके नाउ पॉइंट नंबर फोर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू ऑफ द सरफेस ओके मींस इफ वी क्रिएट सरफेस ओके सरफेस हमने क्रिएट किया अब इस सरफेस इन साइड आप अगर एक वॉल्यूम कंसीडर करें तो उस वॉल्यूम में क्या होगा पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम ठीक है पोटेंशियल सेम कैसे हुआ कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है कंडक्टर कंडक्टर में अगर इन साइड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जब हमने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा ठीक है अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई डॉट डी आर ठीक है माइनस था बट अगर आप मॉड ले लें तो ई डॉट डी आर होता है जब ई e ज़ीरो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा ज़ीरो ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा मीन्स जो पोटेंशियल आपको मिलेगा वो सेम मिलेगा एट एवरी पॉइंट ऑफ द पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर ओके सो दिस इज नंबर फोर नाउ फिफ्थ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफ़ेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर ओके इज इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सलॉन नॉट, सो हम क्या करते हैं एक सरफेस ले लिया आपने ठीक है एक सरफेस ले लिया उस सरफेस पे पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ठीक है थीके? अब इस सरफेस पे आपने एक गाउशियन सरफेस कंसीडर कर लिया उशन सरफेस एक सिलेंडरकल सरफेस की तरह एक गाउशन सरफेस कंसिडर कर लिया सपोज ये जो सरफेस है इसका एरिया है डी ए और टोटल एरिया है आपका कैपिटल ए अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस सरफेस के लिए क्या होगी परपेंडिकुलर ओके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी अब यहां से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव इज गाउस स्लो के अकॉर्डिंग क्या होगा क्यू इन साइड अप नॉट एप्सलन या ओनली क्यू भी लिख सकते हैं ठीक है और यही वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ई डॉट डी ओके एंड वन मोर पॉइंट अगर आप इस सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी देखें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं एंड सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सलोन नॉट सॉरी कैपिटल ए एरिया ठीक है क्यू अपॉन ओके सो फाइ यहाँ से फाइ इज इक्वल टू क्यू इन साइड क्यू इन साइड अपॉन एप्सलोन नॉट एंड ई डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ए टोटल एरिया अगर ए है तो हम इसे डी ए को ए कैपिटल ए लिख सकते हैं ठीक है नाउ ई इज इक्वल्स टू यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा क्यू बाई एप्सलन नॉट इन टू ए और क्यू बाई इट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ये क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला सिग्मा बाय एप्सल नॉट मीन्स एक कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज सिग्मा बाय एप्सलन नॉट और नॉन कंडक्टिंग सरफेस के लिए सिग्मा बाई टू एप्सलन नॉट हमने गाउस लोग की एप्लीकेशंस में देखा था एक शीट बनाया था उस शीट के अपर साइड में अगर आप चार्जेस देखिए तो सिग्मा बाय टू एप्सलन नॉट होगा ठीक है बट अगर कंडक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सलन नॉट ओके नाउ पॉइंट नंबर सिक्स इलेक्ट्रोस्टेटिक शील्डिंग इलेक्ट्रोस्टेटिक शील्डिंग क्या होता है तो एक्चुअली कंडक्टर इन साइड सरफेस में ठीक है ये सरफेस है कंडक्टर का अब इसके इन साइड में आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो होता है एंड पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन इज सेम अगर वी नोट कंसिडर करें तो वी इज इक्वल टू वी नोट मीन्स पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ दैट सरफेस इज सेम इलेक्ट्रोस्टेटिक शील्डिंग एक रीजन होता है कंडक्टर के अंदर जिसमें इलेक्ट्रिक फ़ील्ड जो है वो कैंसिल आउट हो जाती है ओके okay, जैसे आपने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको आपने देखा होगा कि जब लाइटनिंग और थंडरिंग होता है तो आप अगर एक कार में बैठे तो आप ज्यादा सेफ फील करेंगे बजाय कि एक ट्री के नीचे बैठने में क्या होता है कि कार जो है कार के कार जो है वो मेटलिक बॉडी की होती है और मेटल जो है वो एक कंडक्टर है तो चार्जेस जो हैं वो कंडक्टर के सरफेस पे एक्यूमलेट होते हैं ठीक है तो थंडरिंग और लाइटिंग की वजह से जो चार्जेस हैं वो एक्यूमलेट हो जाएंगे कार के आउटर सरफेस पे और जो चार्जेस आउटर सरफेस पे एक्यूमलेट हुए हैं वो अर्थिंग के थ्रू मतलब टायर के थ्रू कार के टायर के थ्रू अर्थिंग पे चले जाएंगे तो इजीली इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया सो so, आपको कोई भी हार्म नहीं होगा ठीक है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ओके सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग सो आज का टॉपिक हम यही एंड करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम कैपेसिटर के बारे में स्टडी करेंगे सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच